अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड डेफिनेटली सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा क्योंकि मौसम तो अच्छा था, तो इसीलिए आई गेस मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। और थोड़ी सी जब गर्मी की शिद्दत में कमी होती है तो हम सब लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। लेकिन मसला ये है कि चाहे गर्मी ज़्यादा हो या कम हो, जो लाइट है वो फिर भी जाती है और लोड शेडिंग फिर भी होती है और जो लोड है वो फिर भी कम होता है। एनीवेज, एक और चीज़ है जो कि आज ही मुझे पता चली कि देयर वाज समवन, जो कि मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे ही नेबर्स में कुछ ऐसे हजरात पाए जाते हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऐसे होना चाहिए, हम लोगों को वैसे होना चाहिए। एंड रिसेंटली लाइक मेरे अब्बा की आदत है वॉक करने की और वो सुबह सुबह जा के वॉक करते हैं। उन्होंने खुद ही से अपनी एक चीज़ बनाई हुई है कि वो स्ट्रीट की जो लाइट्स है ना उनको बंद करते थे। एंड ही कॉट द जो हमारे कुछ नेबर्स में है कि वो बिजली चोरी कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि यार बड़ी बड़ी बातें वो बाकायदा लोगों को टॉन्ट करते हैं कि हमें ऐसे होना चाहिए, ऐसे पाकिस्तानी होना चाहिए, और ख़ुद बिजली चोरी कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर इस प्रोग्राम के थ्रू ये बात कहनी चाहिए कि हम लोग जब किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना तो पहले अपने आप को ज़रूर देखना चाहिए कि हम खुद क्या हैं। एनीवेज गाइस, ज़्यादा हम इस तरह की जो है ना ज़्यादा सीरियस बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको पता ही है आज के दिन हम ऐसे नहीं करते होते। आज के दिन हम ज़्यादा फोकस जो है ना हमारे गेस्ट के साथ होता है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके खुद के बारे में तो उनसे हम बातें करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनकी जो एक बैकग्राउंड है, जो इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। इनके अब्बा शौकत अली ने बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स गाए हुए हैं, बहुत पेट्रियाटिक सॉन्ग्स और फोक सिंगर, और नो एवरी वन नोज़ अबाउट हिम और हर कोई जानता है। और इनकी तारीफ़ में ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे कहूँगी तो मेरे ख्याल से वो बहुत कम ही होगा, चाहे एक घंटा लगा दूँ, दो घंटे लगा दूँ, उससे कुछ ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। एनीवेज, आज डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि शौकत अली साहब के बेटे हमारे साथ हैं, उनका नाम है मोहसिन शौकत। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बड़ा मज़े में हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आज के प्रोग्राम में आके यहाँ। वेल थैंक यू सो मच। अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताइए कि डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे आपकी सिंगिंग के साथ कि आपने कैसे, ऑब्वियसली आपके फादर थे, एक तो घर से वैसे ही पता चल जाता है कि जी हमने इस फील्ड में जाना है, लेकिन आपने जैसे बताया कि आपके भाई हैं वो दूसरी फील्ड में भी हैं, तो कभी ये नहीं लगा कि मुझे किसी और फील्ड में भी जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, या सिर्फ शुरू से ही पता था कि आवाज़ अच्छी है, सिंगिंग ही करनी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो काम आना चाहिए बंदे को वही करना चाहिए। मैं बचपन से म्यूज़िक सीख रहा था, कर रहा था, फैमिली में है। इब्तदाई जो है वो म्यूज़िक वाले साहब से लिया, फिर ताया जी हैं उस्ताद अनायत अली खान साहब हैं, तो वो बचपन में कैथेड्रल स्कूल में जब मैं गाया करता था जाता था तो वो एक जैसे लाइक ना मिनी सेलिब्रिटी बंदे की होती है कि शौकत अली साहब का बेटा है, तो वो लंबे लंबे बाल होने और बड़ा ख़ास तौर पे उसका पहनावा होता था कैथेड्रल स्कूल में। फिर बच्चों के प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, नातें, पैट्रियाटिक सॉन्ग्स बड़े गाता था। फिर कॉलेज में भी ये सिलसिला चला रहा। फिर मैंने बचपन से ये कर लिया कि यहाँ तो गाना है तो या फिर कुछ नहीं करना। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाना शुरू कर दिया। अच्छा, बाज़ूकत ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल यार मेरे अब्बा ये हैं या मेरी अम्मा जो है ना वो ये हैं, तो बच्चे खुद ब खुद ही ना एक वो गैंग सा जो होता है, ग्रुप होता है या क्लास होता है, तो खुद ब खुद उसके बॉस बन जाते हैं, लीडर बन जाता है, यार जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये है ये। तो कभी ऐसे होता था लड़ाई झगड़ा होना, मैं ये बस ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और बाकी सभी मान जाते थे, ऐसा होता था? स्कूल के ज़माने में ऐसा होता था, मतलब मैं बड़ा रोब और दबदबा होता था कि शौकत अली का बेटा, लेकिन टाइम के साथ साथ देन फिर आई रियलाइज़ कि नहीं ये अच्छी बात नहीं, आज ही जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरी है। तो फिर उसको ये है कि जैसे जैसे आप इसको सीखते हैं, गाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाता हूँ या पाकिस्तान से बाहर जब जाता हूँ, तो आई फील इट कि ये काम जो है ये बड़ा दुआ का काम है और ये बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि ये वाहिद काम है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन ये एक वाहिद काम है कि जो अल्लाह ताला की अता है, सिंगिंग है या पोइट्री है, तो वो जब तक उसकी रहमत ना हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स हम अगर सीखने जाएं तो जो मतलब डिफरेंट जगह पे क्लासेस वगैरह होती हैं, सो देयर इज नो यूज़ ऑफ। नहीं नहीं नहीं, वो आपको पॉलिश करती हैं। देखिए, अब आप जो काम कर रही हैं ये बड़ा मुश्किल काम है, हाजिर जवाबी का काम है, आप इसमें काफ़ी काम करती हैं। अब काफ़ी लोगों को शौक है, वो आपकी फील्ड में आ तो सकती हैं, लेकिन वो यहाँ पे बैठ के एक घंटे का क्या, पाँच मिनट का प्रोग्राम नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, मेरी तारीफ चल रही है, लेकिन प्रोग्राम मेरे ऊपर नहीं, प्रोग्राम आपके ऊपर है। नहीं, आप तो मेरे गेस्ट हैं ना, मतलब मुझे कभी कभी ये भी है कि आपका इंटरव्यू करना पड़ता है। आई हैव टू एक्ट लाइक अ होस्ट राइट नाउ, वरना मुझे यहाँ से डांट पड़ जाएगी फौरन से। अच्छा, ये बताओ कि आपने कब से सिंगिंग शुरू की प्रोफेशनली, कब से आपने सोचा कि अब इसमें मुझे इंटू होना है? देख तो बचपन से रहे थे, वालिद साहब को, फिर बड़े भाई हैं इमरान शौकत साहब हैं, और ताया जी हैं अनायत अली खान साहब,
और इन सबको देखा, लेकिन ये है कि प्रोफेशनली मैं लंदन में था और गरीबन 2007 के लास्ट में मैं लंदन से आ गया, तो देन आई डिसाइड टू डू म्यूज़िक जस्ट एंड प्रोफेशनली, तो अभी म्यूज़िक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी काम हो रहा है, सिलसिला चल रहा है, शुक्र है। वेल मोहसिन, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, सॉरी, आपको मुझे ये कट करने का जो टाइम है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही अजीब लग रहा होता है, लेकिन हम लोगों को ब्रेक लेनी होती है, और आप लोग हम लोगों को कॉल्स करना शुरू कर दें, मोहसिन से कोई भी रिक्वेस्ट करनी, कोई भी क्वेश्चन करना है, तो हम लोगों की तीनों लाइन्स में से किसी भी लाइन में क्वेश्चन हमें कर सकते हैं कॉल करके। अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, मोहसिन से बातें भी कंटिन्यू करेंगे और डेफिनेटली आपकी पसंद के सॉन्ग्स भी आपको सुनाएंगे।